गाइस, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप फ्यूचर में मेरे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख पाओ। और या तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जिन लोगों का भी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, बिकॉज मेरा भी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, स्पेशली जिनकी स्किन फटने से भी लगती है। तो उनके लिए आज मैं शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छा बॉडी लोशन, जो कि मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही रिकमेंड किया था। मैं इस बॉडी लोशन को कई सालों से लगा रही हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये नॉन स्टिकी है और इसे आप सर्दी गर्मी दोनों मौसम में लगा सकते हो। हाँ, ऐसा भी कोई बॉडी लोशन हो सकता है जो सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में इफेक्टिव हो। तो चलिए, ज़्यादा मैं इस बात को इतना बढ़ाती नहीं हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। जिसकी मैं बात कर रही हूँ वह ये, तो गाइज ये है डॉक्टर रेडीज का वनुसिया मैक्स इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड एवरीडे यूज़। ये 300 ग्राम्स आता है 495 रुपीज़ का, और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ड्राई स्किन के लिए। अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर करके थक गए हैं और आपको समझ में नहीं आता, कोई भी बॉडी लोशन आप पे वर्क नहीं करता है, और स्पेशली आप बाहर जाते हैं तो आप नारियल का तेल भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कौन चाहता है स्पेशली गर्मियों में कि नारियल का तेल लगा के बाहर जाएँ, वैसे इतनी चिपचिप हो रही होती है। तो उन सभी लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया था जब मेरी भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और फटने लग गई थी। ये इस तरीके की बॉटल में आता है और ये अच्छा खासा मेरे को शायद 2-2.5 महीने चलता है। और ये जो इसका बॉटल है लॉक हो जाता है, जैसे कि ये अभी लॉक है तो मैं इसे प्रेस करूँगी, इसमें से नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली है, आप कहीं वेकेशन वगैरह पे जा रहे हैं इसे आराम से ले जा सकते हैं, बिल्कुल स्पिल नहीं होगा। उसके बाद मैं इसे जब अनलॉक करूँगी तो ये अब इससे ये बाहर आएगा, और ये थोड़ा सा ये थिक कंसिस्टेंसी का लोशन है और स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कि घंटों तक मेहनत कर रहे रगड़ रगड़ के और स्किन में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। देखो आप, बस मैंने भी इतना सा हाथ हिलाया है और ये अनकट है और ये एकदम से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। सबसे बड़ी बात, ये नॉन ऑयली है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ऑयली नहीं बनाता है। और इसे कोई भी स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के लिए मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, तो आप देखो ये बिल्कुल इनविजिबल फिनिश हो जाता है और ये बिल्कुल एकदम से नॉन ऑयली है। तो जिनको भी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर किसी को एक्जिमा या सोरियसिस का प्रॉब्लम है तो उन्हें भी डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं। सो इट इज़ फॉर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, ऑल्दो इसे कोई भी स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑयली नहीं है, हाइड्रेटिंग है। और इसे आप थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकते हो, सर्दी गर्मी मानसून एनी टाइम। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट लोशन है और ये मेरे को बिल्कुल मेरी स्किन को बहुत सॉफ्ट सपल बना के रखता है। और आप लोग भी इसे ट्राई करो, और अगर कुछ लोग इसे ऑलरेडी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो गाइस, दैट वाज इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है, ताकि दूसरे लोग का भी फ़ायदा हो पाए। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना, पास में जो घंटी का आइकन दिखेगा उसको तो ज़रूरी दबाना है, बिकॉज तभी तो आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे, वरना तो सब्सक्राइब करना ही बेकार है। ठीक है, तो आई विल सी ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, स्टे ब्यूटिफुल एंड स्टाइलिश। बाय बाय।